हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज महंत कुमार प्रदर्शी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कस जी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज। सो वैकेंसी हम देखते हैं कितनी है। ये उत्तराखंड की वैकेंसी है, यूके पीएससी सिविल अपर सब ऑर्डिनेट प्री एग्ज़ाम री ओपन ऑनलाइन फॉर्म 2021। ये पोस्ट अपडेट हुई है तो इसमें 10 दिसंबर 2021, तो उसके बाद हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये एप्लीकेशन फीस हम देखते हैं इसकी क्या है। जनरल की 176, एससी एसटी 86 एंड पीएच कैंडिडेट 26। सो ये इम्पोर्टेंट है ओनली उत्तराखंड स्टूडेंट के लिए, बट अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनको 176 ही देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है ये 10 अगस्त 2021 को हुआ था, तो ये री नोटिफिकेशन अभी आया है, तो इसमें क्या है 28 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है। फीस पेमेंट लास्ट डेट 28 दिसंबर 2021। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन सून है, एडमिट कार्ड अवेलेबल सून। तो इसमें वैकेंसी देखते हैं कौन कौन सी है, एलिजिबल डिटेल्स देखते हैं। कैंडिडेट है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर रिकॉग्न यूनिवर्सिटी, रीड तो नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। तो इसमें मेन वैकेंसी देखते हैं एग्रीकल्चर और फिशरीज की। तो इसमें है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर फूड सिविल, और ये हम अपना नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्टरी एंड असिस्टेंट कैन कमिश्नर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, और ये हमारी जाती है मेन वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज। ये असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की वैकेंसी है जो कि पहले नोटिफिकेशन अगस्त में आया था तो उसमें 3 वैकेंसी थी, बट हमें दिखाई दे रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की जनरल जो पोस्ट है 19 है, ये दिखाई दे रहा है। ओबीसी जो वैकेंसी है वो हम देखते हैं ये 3 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है 4, एससी की है 5, एसटी की नहीं है। टोटल वैकेंसी 31 है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की। तो ये हम वैकेंसी देखते हैं, डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है इसमें। एग्रीकल्चर और फिशरीज के स्टूडेंट के लिए बढ़िया वैकेंसी आई है, असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर, लैंड कंजर्वेशन असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिक्स की आई है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन की वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पंत नगर यूनिवर्सिटी से बीएफएससी की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, सही लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अप्लाई करेंगे तो हमें अदर यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन देता है। तो ये डाउनलोड एक्सटेंड नोटिस, तो जो नई नोटिस है इसको हम डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है, कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो ये नोटिस ओपन हो चुकी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो इसमें लिखा है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पूर्व में विज्ञापन संख्या A1@PCS2021-22 दिनांक 10 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 थी। अद्यतन शासन द्वारा पूर्व में विज्ञापित कतिपय पदों के संशोधित अधियाचन एवं कतिपय अन्य विभागों के नवीन अधियाचन उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त अधियाचनों के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के द्वारा विज्ञापित रिक्त 224 पदों के साथ नवीन रिक्तियों की संख्या 94 है। नए पदों को इसमें ऐड किया गया है, ये 94 हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का पहले 3 पद था, इस समय 31 हो चुका है टोटल। सम्मिलित करते हुए शुद्ध पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।
इस प्रकार कुल रिक्त पदों की संख्या 318 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये सब वैकेंसी के थ्रू कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब दिया गया है। सो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज में आपको पता ही है एमएससी जूलॉजी मांगा है, और 4 साल का बीएफएससी कोर्स वो भी पंतनगर यूनिवर्सिटी से मांगा है। लेकिन अप्लाई आप करेंगे तो कहीं के भी हों वो आप डाल सकते हैं, अदर स्टेट डालेंगे तो अब अदर स्टेट का भी ऑप्शन आता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी का भी नाम है उसमें अदर स्टेट में, और आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी का भी नाम है। तो कोई भी व्यक्ति इसे अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।